भारत का जब संविधान बन रहा था तो नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आज़ाद जी, अंबेडकर जी की अध्यक्षता में सारी बैठकें हो रही थी। एक चीज़ मुझे पता चला कि अंबेडकर जी जो हैं वो कांग्रेस और गांधी जी के बड़े कड़े आलोचक थे। वो उन पे आरोप लगाते थे कि आप जो है अनुसूचित जातियों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन आपने पर्याप्त काम नहीं किया। और नेहरू जी और सरदार पटेल जी की भी कई मुद्दों पर असहमति हुआ करती थी, बावजूद इसके वो साथ मिलकर के काम किए। तो ये चीज़ को तो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो मैंने सोचा यार पहले के लोगों के अंदर कितनी मतलब बौद्धिक उदारता थी कि हाँ ठीक है तुमसे सहमति है असहमति है फिर भी बैठ करके काम करना है। अभी तो लगता है कि क्या है, अभी तो एक आदमी कह देता है ऐसे करना है, नहीं करोगे तो ये कर देंगे, बुक कर देंगे। तो पहले के लोग काफी बौद्धिक रूप से उदार थे, उनके अंदर बड़प्पन था, तभी तो वो महान थे। तो आपको क्या लगता है आप लोग महान नहीं होते? अभी एक मेरे को ट्विटर पे लिख दिया था कि तुमको तो तुम्हारे जैसे लोगों पे तो NSA लगा देना चाहिए। क्यों? मैंने उसे पूछा कि भाई क्यों, बोला कि तुम लोग जो है सोशल मीडिया के टेररिस्ट हो। मैंने कहा हाँ देखो समस्या यही तो है, कोई भी चाहे तुम हो चाहे तुम्हारे वॉर रुकवाने वाले जो पापा हैं वो भी संविधान से बड़ा है नहीं, ठीक ना। संविधान जो है सरकार की कुछ शक्तियों को सीमित करता है, तुम्हारे पापा जो है इन्हीं शक्तियों की सीमा को पार करना चाहते हैं, इसीलिए संविधान बदलना चाहते हैं ताकि हम जैसे लोगों पर या जो आलोचना करते हैं उन पर NSA लगा करके उनको टेररिस्ट बता दिया जाए, समझ रहे हैं आप। तो हमको टेररिस्ट एक लिखा था कि मैं सोशल मीडिया के टेररिस्ट, क्यों, क्योंकि मैं आलोचना कर देती हूँ, मैं सरकार से जो है सवाल पूछ देती हूँ। मेरे को तो ये सब भी लिख रहे थे लोग, तो तब मुझे समझ में आया कि ये लोग संविधान बदलने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संविधान ने जो इनकी शक्तियों पर थोड़ा अंकुश लगा रखा है, ये यहाँ से चिटकना चाहते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अधिकारों ने इस देश को कमज़ोर बनाया। देश को कमज़ोर नहीं बनाया है, आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाना चाहते हैं वहाँ उसको कमज़ोर बनाया है, संविधान को तो अधिकार मजबूत बनाता है। तो वो समस्या है। तो इस समस्या से कैसे निजात पाएंगे आप? इस समस्या से मैं अकेले नहीं निजात पाऊंगी, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और आज तो पहली चरण का वोटिंग भी हुआ है, तो इसके खिलाफ जो है हमें वोट करना होगा, जो संविधान को क्या बोलते हैं संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें वोट करना होगा, तब जा करके जो है बदलेगा। मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, आज आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके थक चुकी हैं। आजा चलो ठीक है, बाय बाय।